13 जुलाई को हर साल जम्मू कश्मीर में शहीद दिवस मनाया जाता था, लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ। वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती समेत कई नेताओं ने दावा किया कि अधिकारियों ने उन्हें घर में नजरबंद कर दिया है ताकि वो शहीद दिवस ना मना पाए। हालांकि महबूबा समेत अन्य नेताओं के किए गए इस दावे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। दरअसल 1931 में इसी दिन डोगरा शासक की सेना ने 22 कश्मीरियों को मार दिया था। इन्हें मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए जम्मू कश्मीर के नेता हर साल इस दिन शहीदों की कब्रगाह पर जाते थे। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि उन्हें शहर के बाहरी इलाके खिम्बर में उनके घर पर ही नजरबंद कर दिया गया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा है कि मेरे घर के दरवाजे तक एक बार फिर से बंद कर दिए गए हैं ताकि मैं निरंकुश शासन, उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ कश्मीर के विरोध और संघर्ष के एक स्थायी प्रतीक मजारे शुहादा पर ना जा सकूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अगले साल से जम्मू कश्मीर 13 जुलाई को शहीद दिवस मनाएगा। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि ये आखिरी साल है जब जम्मू कश्मीर प्रशासन लोगों को ऐसा करने से रोक पा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर किए अपने पोस्ट में लिखा है कि एक और 13 जुलाई शहीद दिवस बंद दरवाजों और पुलिस की ज्यादतियों का एक और दौर, ताकि लोगों को उन लोगों को श्रद्धांजलि देने से रोका जा सके जिन्होंने जम्मू कश्मीर में एक न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और लोकतांत्रिक शासन स्थापित करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1931 के शहीदों के बलिदान को याद करते हुए श्रीनगर में अपने मुख्यालय में शहीद दिवस मनाया। पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने सरकार के कार्यों पर कड़ी अस्वीकृति व्यक्त करते हुए कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके नेताओं को उनके घर छोड़ने से रोक दिया गया और मजारी शुहादा में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। जो भी अब इस कश्मीर में किसी मसले के बारे में, या आज का जो था शहीदों का मसला है, तो एकदम वो हरकत में आ जाते हैं और तंग करते हैं। बदकिस्मती से हम ये सबसे बड़ा मुल्क जो है आबादी के लिहाज से दुनिया में हिंदुस्तान है, और जम्मू कश्मीर ने अपनी खुशी से हिंदुस्तान के साथ नाता जोड़ा, और आज का हाल ये है कि यहाँ उनकी तरफ से जो है ज़्यादतियाँ हो रही हैं। यहाँ नुमाइंदा सरकार जो है पिछले 12 साल से नहीं बनी है। इससे बड़ी चोट मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या दे सकती है। चलिए आपको ये बताते हैं कि क्या होता है मजारे शुहादा। 13 जुलाई को साल 1931 में 22 कश्मीरियों को डोगरा सेना ने गोली मारी थी। राजा हरि सिंह के शासन का विरोध कर रहे थे ये कश्मीरी। इन्हीं मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए कब्रिस्तान जाते हैं लोग। 5 अगस्त 2019 से पहले हर साल इस दिन अवकाश की होती थी घोषणा। 5 अगस्त 2019 से पहले हर साल यहां कार्यक्रम का आयोजन होता था। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और राज्यपाल करते थे शिरकत। 2019 के बाद से कब्रगाह पर जाने से कश्मीरी नेताओं को रोका जाता रहा है।